सो यार, बचपन से हम लोग ये बात सुनते हुए हैं कि किसी भी काम को करो या कुछ भी करो, अगर वहां पे कुछ फायदे हैं तो कुछ तो नुकसान होंगे, इज इट? तो कहीं ना कहीं हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं एंड आज बात करते हैं कि प्लानिंग के इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गए कि यार प्लानिंग अगर की जाती है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, बट क्या प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं? तो ऑब्वियसली भाई, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की वजह से कुछ लिमिटेशंस भी हमें फेस करने पड़ते हैं, जो आज इस सेशन में हम कवर करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि एक परफेक्ट प्लानिंग जो की जाती है ना, तो उसमें किन स्टेप्स को यूज किया जाता है या किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, इज इट? तो चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। दिस इज मैडम योर कमिश्नर एंड आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लिमिटेशंस एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को लेकर के। बट सबसे पहले ना, लिमिटेशन वर्ड सुनकर के मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है कि यार, आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आपके माइंड में प्रिपरेशन को लेके बहुत सारी लिमिटेशन दिख रही होगी कि यार अभी भी सर हम पढ़ नहीं पा रहे, या अभी भी हमें नहीं पता कि सीयूटी के लिए अपने आप को रेडी कैसे करें, सर हमें नहीं पता कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, सर हमें नहीं पता कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। तो बेसिकली बच्चा, पहले ना इस लिमिटेशन को खत्म कर देता हूं मैं एंड मैं आपको बता देता हूं कि आप टॉपर टॉप रैंकर्स यानी सुपर ग्रेड्स के साथ अपने प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड अभी इस टाइम पर एक बहुत 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 अच्छी न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब आप यहां पे किसी भी बैच को परचेज करते हैं, या हम बात करें टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं, या सपोज आप बुक्स परचेज करते हैं या किसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स परचेज करते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप कभी कूपन कोड यूज कर सकते हो बच्चा। एंड एक कूपन कोड आपको यूज करना है एंड वो कूपन कोड क्या होने वाला है, तो हम चाहते हैं सर हम अपनी प्रिपरेशन करके अपने आप को कॉन्फिडेंट बना पाए और अपने कॉन्फिडेंस यानी अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए बूस्ट अप्लाई करवा दिया है, आप इसको अप्लाई करेंगे एंड 20% का बिल्कुल तुरंत आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा आप किसी भी चीज को परचेस करने वाले। तो भाई किस चीज का वेट करो, फटाफट जल्दी से जाके अपने आप को एनरोल करो, अपने अपनी प्रिपरेशन यानी को आगे बढ़ाओ एंड जो द थिंग इसकी जो लिमिटेशंस आप फेस कर रहे हो, जो कंफ्यूजन आप फेस कर रहे हो, उस कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ फटाफट जल्दी से। तो चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को लेकर के बच्चा। तो देयर आर वेरियस थिंग्स, यानी हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग विल बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। पहला होता है बच्चा इंटरनल लिमिटेशंस एंड कुछ होते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस। यानी कि भाई पहले तो इंटरनल का मतलब एंड एक्सटर्नल का मतलब यहां पर क्या है? इंटरनल मतलब कि भाई मैनेजमेंट के अंदर की चीजें जो लिमिटेशंस आपको मिल रही हैं एंड कुछ चीजें जो आप लोगों को देखना है भाई आपका लिमिटेशन टुवर्ड्स योर एक्सटर्नल, इज इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में हम बात कर रहे हैं इंटरनल लिमिटेशंस को लेकर के, इज इट? तो चलिए इंटरनल लिमिटेशंस को लेकर के अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि यार इंटरनल लिमिटेशंस में कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमें समझना है और ये लिमिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपने केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस के लिए यहां पर रेडी रहिएगा कि यहां से आपको ऐसे क्वेश्चंस 100% मिलेंगे मिलेंगे, इज इट? चलिए अब बोला गया भाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या बोला गया? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली जब आप प्लानिंग करते हो एंड प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हो तो आपको उस प्लान में जो आपने डिसाइड किया है आपको उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होता है। हम कंटिन्यूअसली चेंजेस नहीं कर सकते, जो प्लान डिसाइड किया है हमें प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। इफ वी फील कि हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने चाहिए तो वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, राइट? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बच्चा कि प्लानिंग डिस्करेज द इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, द मैनेजर डू नॉट मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस। यानी सिंपल सा थॉट बोल देगा कि भाई जो सुपीरियर है, सुपीरियर को ये ऑर्डर्स होते हैं कि भाई आप अपने सबॉर्डिनेट को ये प्लान शेयर कर दो और उसके अकॉर्डिंग उनसे काम करने के लिए बोलो। अगर सबॉर्डिनेट में कोई पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काम में ऐसा होना चाहिए बिकॉज प्लानिंग के जो सर्कमस्टेंसेस थे वो सर्कमस्टेंसेस आज नहीं है, तो आज के हिसाब से प्लानिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए, तो इट इज नॉट इवन पॉसिबल फॉर द सबॉर्डिनेट और द सुपीरियर टू मेक सर्टेन चेंजेस, इज इट? तो आप ये बात बोलोगे बहुत क्लियरली कि प्लानिंग इज इन प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब भाई प्लानिंग जब स्टैटिक होता है हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा डायनेमिक चेंजेस जो होते हैं वो बिजनेस एनवायरमेंट में होते रहेंगे, बट उन चेंजेस की वजह से हम लोग कंटिन्यूअसली प्लानिंग में चेंजेस नहीं कर सकते, ओके? तो चलिए भाई आपने क्या बोला, दे स्टॉप टेकिंग और गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडियाज। जब चेंजेस होते ही नहीं है ना, तो ये एक नेगेटिव कल्चर को डेवलप करता है जहां पे लोग बहुत बोरिंग तरीके से काम करते हैं कि लोगों में जो इनिशिएटिव है या लोगों के जो फीडबैक्स हैं वो दे ही नहीं रहे बिकॉज उनको पता है कि भाई प्लान बन चुका है और हमें इस प्लान को सिर्फ से फॉलो करना है, गॉट इट? तो भाई बढ़िया है, पहला लिमिटेशन हमें क्लियर हुआ कि भाई प्लानिंग में चेंजेस नहीं किए जाते एंड ये कहीं ना कहीं जो रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी और इनिशिएटिविटी, इज इट?
इनोवेशन को। देन बच्चा दूसरा इंटरनल लिमिटेशंस की बात की जाए तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। तो फर्स्ट वाला अगर लिमिटेशन आपको क्लियर है तो ये सेकंड वाला लिमिटेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा समझने में। व्हाई? बिकॉज पहले वाले में हमने बोला कि भाई प्लानिंग में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है आपने जिन सर्कमस्टांसेस में जब आप प्रोसेस पढ़ते हो तो आप बोलते हो कि भाई हम सबसे पहले ना प्लानिंग जब भी कर रहे होते हैं तो प्लानिंग रेडी की जाती है भाई ऑन एंटिसिपेशन। इज इट? हम कुछ एंटिसिपेट करते हैं एंड उन एंटिसिपेशन के बेसिस पे हम प्लान को रेडी करते हैं कि अगर हमें ऐसा फील होता है कि अपकमिंग डेज में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं तो उन सर्कमस्टेंसेस में हमारा प्लान किस तरह से वर्क करेगा। तो अगर आपने एंटिसिपेशन जो जो चीजें की हुई है वैसा ही कुछ होता है तब तो आपका प्लान वर्क करेगा बिकॉज आपने उसको प्रेडिक्ट कर लिया था पहले ही। बट अगर कुछ सर्टन चेंजेस आते हैं, डायनेमिक एनवायरमेंट होता है इसका मतलब, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे एंड वैसे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं तो उन सर्कमस्टेंसेस में आपका प्लान वर्क नहीं करेगा। तो ये एक मेजर लिमिटेशन है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि भाई बेसिकली व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट डी प्लानिंग में नॉट वर्किंग इन डायनामिक एनवायरमेंट, इसका मतलब क्या है कि भाई प्लानिंग जो बिजनेस एनवायरमेंट है ना, बिजनेस एनवायरमेंट हमेशा डायनामिक है, यानी कि हम सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिजनेस एनवायरमेंट में कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहेंगे तो हमारा प्लान तभी वर्क करेगा अगर उन चेंजेस को हमने पहले से ही एंटिसिपेट किया होगा, अदरवाइज हमारा प्लान वहां पर वर्क नहीं करेगा या उतने अच्छे से, उतने इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से वर्क नहीं करेगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, तो चलिए क्या बोला गया भाई, प्लानिंग बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर हैपनिंग एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनेमिक देयरफॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशन नॉट ऑलवेज ट्रू। जो हमने सोचा हमेशा वो बात सही हो ये जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन पे बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन हमसे क्या बोल रहा है भाई। तो नेक्स्ट लिमिटेशन हमसे बोल रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब भैया ह्यूज कॉस्ट क्यों? तो आप सबको बताएं अगर प्लानिंग ऐसा नहीं है कि भाई टाइम पास करा जा रहा है बैठ करके बस डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा लगा देते तुम, इतना लगा दो मैं लगा देता हूं भाई और इस प्लान को लेकर फॉलो कर लेते हैं ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें एक्सपर्ट्स को हायर करना होता है, बहुत सारी प्लानिंग में हमें फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहिए होती है तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाते हैं, हमें लॉ की कंसल्टेंसी को चाहिए तो हम भैया लॉ के पर्सन को हायर करते हैं। तो ऐसे और ऑडिटोरियम बुक कर रहे हैं वहां पर मीटिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारा खर्चा होता है प्लानिंग करने में। तो ऑब्वियस है इस बात को एक तरह से लिमिटेशन में कंसिडर किया जाता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा टाइम, इज इट? वो भी आएगा लिमिटेशन। तो हमने बोला इंटरनल लिमिटेशन में एक बात और ध्यान रखेंगे, व्हेन प्लान आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मुलेशन, यानी इफ वी वांटेड टू मेक अ सर्टेन प्लान देन वी हैव टू मेक अ सर्टेन, या हमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे एंड वो अरेंजमेंट्स हो सकता है भाई रिसोर्सेस को लेकर के हो, वो रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, वो रिसोर्सेस बिल्डिंग हो सकती है या देर आर वेरियस थिंग्स। तो बेसिकली जब इनका अरेंजमेंट किया जाता है तो बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है और वो पैसा खर्च होने की वजह से ही एक लिमिटेशन यहाँ पे आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं भाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। गॉट इट? नेक्स्ट एक और लिमिटेशन पे चलते हैं, बात करते हैं प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अगेन मैंने पहले ही बोला था कि प्लानिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है एंड साथ ही साथ में भैया प्लानिंग में टाइम लगता है, अगर आपने बिना टाइम लिए बस रेंडम प्लानिंग कर ली तो वो वर्क नहीं करेगा, वो गोल अचीव नहीं करवा पाएगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भैया प्लानिंग के लिमिटेशंस में दो लिमिटेशंस तो कभी नहीं भूलेंगे, वैसे तो सारे नहीं भूलेंगे बट दो तो कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होना एंड बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, इज इट? तो टाइम प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हम बोल सकते हैं समटाइम्स प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टू टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली कभी कभी प्लानिंग करते टाइम इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही खत्म हो गया, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही खत्म हो गया भाई। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, भाई हमारे ग्रुप को मनाली जाना था। अब भाई हमने सोचा था नवंबर में मनाली जाएंगे तो हम सितंबर से प्लान बनाना रेडी कर रहे हैं कि भाई मनाली के लिए कैसे जाएंगे, बाय फ्लाइट जाए या बाय ट्रेन जाए, बाय बस जाए या दिल्ली तक ट्रेन से जाए, समथिंग लाइक दैट। ऐसे तो ये वाला डिस्कशन चल रहा था। अब हुआ क्या भाई, जब तक प्लान बना सब लोग रेडी हुए, जिन जिन चीजों पर जो जो हमने डिसाइड किया सब, जब सारे लोग मान गए और हम इंप्लीमेंट करने के हमने ट्रेन की टिकट बुक करने की कोशिश करी, भैया ट्रेन फुल चल रही है, हमने सोचा भाई फ्लाइट ले लें, फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है। तो ऐसा हो ना हो कि इंप्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं बचा और सिर्फ प्लानिंग करने में ही रह गए, तो ऐसा भी होता है। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कि भाई प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। गॉट इट? अगेन एक और लिमिटेशन की बात करते हैं, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो एक ये डज नॉट गारंटी सक्सेस और प्लानिंग नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट, ये दो सेम लगते हैं। जब केस स्टडी आती है तो हमें लगता है कि यहाँ पर सक्सेस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे डायनेमिक एनवायरमेंट वर्क नहीं किया जा रहा है। तो बच्चा इट डिपेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला जाता है कि कोई काम पहले हुआ था तो क्या वो सेम प्लान को फॉलो करके आप आगे भी वो काम कर सकते हो?
भाई मैंने बोला कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे बोर्ड से आए थे, ये वाले पूरे के पूरे इस चीज को फॉलो करते हुए, तो क्या वो बिल्कुल पत्थर की लकीर बन गई कि इस चीज को फॉलो कर लो आपके मार्क्स आ जाएंगे? जो ऐसा कहते हैं वो गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी ने अपने हिसाब से कोई प्लान बनाया था और उसका वो सक्सेसफुल रहा तो सेम वो प्लान किसी और के लिए सक्सेसफुल रहेगा, बिल्कुल भी नहीं भैया। प्लान जो है ना वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, पहले कुछ और बात रही होगी, अभी कुछ और बात है, पहले उस पर्सन के साथ लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम रही होगी, हो सकता है जिसके लिए वो प्लान सजेस्ट कर रहा है उसकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, आप बात समझ रहे हो? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी ऐसी केस स्टडी आ जाए जहां पे कोई सिचुएशन रखी जाए और बोला जाए कि सिचुएशन पहले हुई थी सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई वी आर रिपीटिंग दिस प्लान बेसिकली, एंड इस काम को हम दोबारा सक्सेसफुल आ रहे हैं, तो भाई प्लानिंग कभी भी कोई सक्सेस की गारंटी नहीं देता। अगर आपने प्लान बनाया था तो आपके सक्सेस, आपके गोल को अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट कभी ऐसा नहीं होता कि इस प्लान को बस फॉलो कर लो और 100% हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पेट कम करना है, डाइट फॉलो कर लो, 20 दिन में पेट कम हो जाएगा, है ना, वजन कम हो जाएगा। तो भैया क्या होता है, लोग करे जा रहे कोर्स और फिर 20 दिन बाद बोल रहे हैं भैया हमारा तो नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं भाई किसी का हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सबका हो जाएगा, अब बात समझ रहे हो ना? तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी अ सक्सेस, द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन एंड इंप्लीमेंटेशन समटाइम्स मैनेजर्स डिपेंड ऑन प्रीवियसली ट्राइड सक्सेसफुल प्लान बट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट द प्लान जो पहले वर्क किया था वो आगे भी वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं होता इज इट? और प्लानिंग डायनेमिक वर्क एनवायरमेंट में बच्चा, तो कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से आपका प्लान फेल हो गया इज इट? इसको किसी दूसरे प्लान से कंपेयर वम्पेयर नहीं कर रहे हैं, अगर हमसे बोला गया कोई प्लान आपने बनाया था और सडन कोई चेंजेस आ गया उसकी वजह से आपका जो गोल अचीव नहीं हो पाया, तो ये कौन सा वाला लिमिटेशन? तो आप बोलोगे सर डायनेमिक एनवायरमेंट, किसी ऐसे सरकमस्टेंसेस चेंज होने की वजह से हम प्लान को अचीव, सॉरी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, गॉट इट? ठीक है सर, नेक्स्ट और लिमिटेशन पे चलते हैं एंड बात करते हैं भैया हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट लिमिटेशन, और वी कैन से दैट भाई लास्ट इंटरनल लिमिटेशन, गॉट इट? तो लास्ट इंटरनल लिमिटेशन में आ रहा है भाई प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, तो ऑब्वियस है ये पहले वाले पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ रहा है कि जहां पर आपसे बोला गया था कि भाई प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, तो आपने बोला सर स्टैटिक है, तो आपने बोला सर प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि भाई एक जैसे ही काम होते जाता है प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, तो वहां पे भी हमने पॉइंट को पढ़ा था कि प्लानिंग रिड्यूस द इनोवेशन इनोवेटिव आइडियाज एंड ऑल्सो रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉई और द सबऑर्डिनेट्स इज इट? तो ऑब्वियस है क्योंकि भाई एक प्लान बन गया, अब आपको इस प्लान को फॉलो करना है, आपके पास सजेशन हमें नहीं चाहिए, प्लान बनाते टाइम फिर भी सजेशंस लिए जाते हैं जो हम प्रोसेस में पढ़ेंगे, बट एक बार प्लान बन गया तो उस प्लान को फॉलो करो। तो एग्जाम में कहीं पर भी ऐसा आ जाए कि वही कोई पर्सन चाहता है कोई चेंजेस करना बट वो नहीं कर पा रहा है, तो आपसे पूछा कि ये कौन सा वाला लिमिटेशन है प्लानिंग का, सो योर आंसर विल बी कि सर प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉइज एंड द सुपीरियर्स आल्सो, वी कैन से दैट इज इट? तो चलिए भाई बढ़िया, इन प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज पर द प्री डिटरमाइंड प्लान, इट डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड फॉर whom, like whom is going to be done, is it? Yeah, who is going to be done? तो सिंपल सी बात है भाई, planning, planning is done by the top level management and जो बाकी middle and lower level management के लोग हैं उनको फिर वो follow करना होता है, सिर्फ बस काम खत्म। ये limitations है जिनको internal limitations बोला जाता है, ये major limitations है, external limitations although आप बहुत rare है पढ़ने के लिए मिलते हैं but still मैं आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आप कोई भी confusion आ रहा है और किसी भी तरह का question आप करने के लिए capable रहो। तो ये बहुत direct है कि भाई कौन से ऐसे लिमिटेशंस हैं जिनको आप एक्सटर्नल लिमिटेशंस बोलोगे, तो बोलोगे सर दोज लिमिटेशन आर प्लानिंग व्हिच अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट का टास्क नहीं था, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट से बियॉन्ड इज इट? तो आपने बोला सर ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा जो लिमिटेशंस है चाहे वो ह्यूज कॉस्ट हो या एंटिसिपेशंस करने के हो या फिर स्टैटिक हो, तो ऐसी चीजों में मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, ये मैनेजमेंट के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से आपको लिमिटेशन मिल रहा है, बट कुछ ऐसे लिमिटेशन जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कौन सा लिमिटेशन है भाई? तो आप लोग सर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज विल लीड्स टू फेलियर ऑफ प्लानिंग, क्या बोला गया भाई? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, अब भाई हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पॉलिसी चेंज हो गई हमारा काम खराब हो गया, तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने की वजह से। नेचुरल कैलमिटीज, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कोविड की बात करें, एक ऐसी बीमारी आ गई जिसकी वजह से भाई कोई उसको एंटिसिपेट वैसे भी नहीं कर पाया था, एंड उस टाइम पर किसी के बिजनेस में कोई कुछ नहीं कर पा रहा था जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं उनको पता था कि आज
आज वो टाइम नहीं है जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, इज इट? बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट भी हुए उस टाइम पर, बहुत सारे बिजनेस ग्रो भी कर गए, बट कुछ बिजनेस में नेगेटिवली इंपैक्ट आया और वो बंद भी हो गए। आप सबके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट है भाई चेंज इन स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। तो हमने कोई कॉम्पिटिशन, हमने कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करी। हम मान लो ये मान के चल रहे थे कि हम अपना जो सपोज कोल्ड ड्रिंक है, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर पेप्सी वाले सोच रहे हैं कि हम अपना 12 रुपए का पेप्सी बेच करके 3 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से प्रॉफिट कमाएंगे। अब भाई उनके कॉम्पिटिटर ने, कोको कोला ने 10 रुपए का सैशे निकाल दिया, 10 रुपए का बेच रहे हैं वो। अब ऑब्वियस है आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग धरी के धरी रह गई। अब कॉम्पिटिशन वाला यानी कॉम्पिटिटर है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बेच रहा है, 12 की जगह आपको भी 10 करना पड़ेगा। अब आपकी प्लानिंग की धज्जियां उड़ गई, इज इट? तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है, उसकी वजह से आपको भी आपकी प्लानिंग खराब हो जाती है बेसिकली, इज इट? रेगुलर टेक्नोलॉजी चेंजेस यानी कि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली जो ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है यानी जो ट्रेडिशनल हो जाती है एक तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, हम में उसकी वजह से अपने प्लानिंग में चेंजेस करना पड़ता है, दैट एंड द थिंग इज कि भाई चेंज इन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। ये कुछ ऐसी कंडीशंस जो डायरेक्टली हमारी बोल सकते हैं भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हमारी प्लानिंग पे या हमारे प्रोडक्ट पे, उसमें कोई भी चेंजेस आया उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस आए। तो ये एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑल दो बहुत ज्यादा काम की नहीं होते हैं, बट आपको पता होने चाहिए कि बिजनेस में प्लानिंग फेल होने के कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जो मैनेजमेंट के नहीं है, वो कहीं और के हैं, जेट? तो ये कुछ लिमिटेशंस है व्हिच इज टू बी नोन एज एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेडी करते हैं कि सर हमें ना आप ये सिखा दो कि प्लानिंग करते क्या, सर व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स वी हैव टू फॉलो कि अगर एक टू मेक अ सर्टेन प्लान बेसिकली, जेट? हमें अगर प्लान बनाना है तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो बात जब भी प्रोसेस की होती है इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि वी हैव टू फॉलो द वेरियस स्टेप्स इन इन अ सीक्वेंस मैनर, इज इट? कि हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा और हम उसमें ना सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। भाई जो फर्स्ट स्टेप है उसको फॉलो करोगे, मतलब कंप्लीट करोगे, तभी आप सेकंड स्टेप पे आ पाओगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आप लोग को दिख रही है। सबसे पहले स्टेप स्टार्ट होती है भाई ऑब्जेक्टिव सेट से, इज इट? यानी सेटअप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो सेटअप ऑफ ऑब्जेक्टिव है, अभी मैं आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। पहले गोल डिसाइड कर लो, फिर उस गोल को अचीव करने में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फ्यूचर एंटिसिपेशन, इज इट? तो आपने सारे जो सरकमस्टेंसेस है वो अज्यूम कर लिए कि आगे इस गोल को अचीव करने हम जाएंगे तो क्या क्या सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? आपने एंटिसिपेट कर लिया, एस्टिमेट कर लिया या अज्यूम कर लिया, ठीक है सर? उसके बाद आपने बोला कि भाई जितने भी लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आपने बोला भाई ये गोल है हमारा, ये एंटिसिपेशन है, ये फ्यूचर, मतलब बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस, इज इट? यानी इसका मतलब क्या है कि आगे को लेकर के हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई आगे इस गोल को जब हम अचीव करेंगे तो ये चीजें हो सकती है। तो सबने सुन लिया, दो बात सुन ली, दो स्टेप सुन ली, गोल सुन लिया एंड साथ साथ में एंटिसिपेशन सुन लिया। अब सब लोग अपने अपने क्या कर रहे हैं बच्चा, अपने अपने सजेशन दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं यार अगर ये प्रॉब्लम है, फ्यूचर एंटिसिपेशन ये है और हमें गोल अचीव करना है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, ये हमें एंटिसिपेट करना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास हम आइडेंटिफाई कर चुके होंगे तो अगला टास्क होगा बच्चा सारे लोगों के सजेशन को इवैल्यूएट करना। भाई किसी ने बोला ऐसा कर लो, किसी ने बोला वैसा कर लो, किसी ने बोला वैसा कर लो, हम सारे ही चीजों को इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट करने के बाद हमारा अगला टास्क क्या होगा बच्चा, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। भाई ऑब्वियस है, सबके सजेशन सुने, सबके सजेशन को इवैल्यूएट किया, उसके बाद जो बेस्ट होगा, मतलब इवैल्यूएट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला प्लान आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है या आपके लिए बेस्ट है। तो जो आप सिलेक्ट करोगे उस सिलेक्ट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करने के बाद भाई जितने भी सुपीरियर्स सब या मिडिल लेवल या लोअर लेवल के लोग हैं वो सारे ही लोग उस पूरी प्लान को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि भाई ये सेम बात आपको ध्यान रखनी है। कहने के लिए प्रोसेस एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट थिंग इसकी इतनी से स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। गोल डिसाइड करना है, उसके बाद उस गोल को अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अपनी जर्नी को एंटिसिपेट करना है, देन उसके बाद बच्चा सारे सजेशन सुनने हैं, जिसको हम बोल सकते हैं लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स या आइडेंटिफाई द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, देन बच्चा अपना फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एंड जो भी हमने इवैल्यूएट किया उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट अ पर्टिकुलर प्लान, उसके बाद इंप्लीमेंट एंड देन वी हैव टू मेक अ सर्टेन, लाइक हम बोल देंगे भाई फॉलो अप, यानी सब लोग फॉलो करो, इज इट? तो ये हमारा स्टेप था जिसमें कितनी चीजें पड़ी, अपनी 7 स्टेप पड़ी है। फर्स्ट, देन 2, देन 3, देन भाई 4, देन हमारा 5, देन 6 एंड देन 7, इज इट? तो 7 स्टेप्स
जिनको पढ़ के आप इजिली अपने प्रोसेस वाले क्वेश्चन में या प्रोसेस वाले केस स्टडी में इजिली आप मार्क्स ला सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं जाने वाले, इज इट? तो चलिए बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। बट एक चीज जो मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आप अपनी पढ़ाई को, आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हो और आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसको आप अचीव करना चाहते हो, इज इट? जैसे भाई ऑब्वियस है, मैंने भी कोई गोल डिसाइड किया तो जब तक मैं उस गोल तक पहुंचूंगा नहीं, इज इट, जब तक मैं गोल को अचीव नहीं करूंगा तब तक मुझे एफर्ट्स करने। तो यही सेम चीज है, अगर आपका गोल है कि आपको एक टारगेट दिख रहा है, आपका कॉलेज दिख रहा है कि भाई मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर होना है, मुझे एसएससी में जाना है या मुझे हिंदू कॉलेज में जाना है, मुझे हंसराज कॉलेज में जाना है, तो ऑब्वियसली आप एंटिसिपेशन करना चालू कर दो। ये जो प्रोसेस थी ना, ये प्रोसेस आपके लिए भी अप्लाई होती है, आपकी लाइफ में आपको अप्लाई करनी है कि अगर आपका कोई गोल है आपको पता करना पड़ेगा भाई मेरी कितनी प्रिपरेशन चल रही है, मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चाहिए मुझे, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए या मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, मुझे टेस्ट चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी आपको चाहिए होगा उस गोल को अचीव करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार अभी करें, कब करें, बाद में करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट थॉट है जिस थॉट को मैं आपको आज बोल रहा हूं कि प्रोसेस का पार्ट आपको अगर आप आगे बनते हो सकता है इंप्लीमेंटेशन का टाइम ही ना बचे। आज अगर आपको पता है कि आपका गोल क्या है तो आज से ही उसको इंप्लीमेंट करना चालू कर दो एक प्लान बनाने के साथ, इज इट? अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई डेफिनेटली गोल अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड हम सब कर क्यों रहे हैं मेहनत, हम प्रिपरेशन कर क्यों रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी वॉन्टेड टू अचीव द गोल, इज इट? जो भी हमारा गोल रहा है, इज इट? तो बच्चा ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल इस सेशन को यहां पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।